ग्लासी टाइगर बटरफ्लाई और ब्लू टाइगर बटरफ्लाई के पंखों में अंतर। ग्लासी टाइगर के पंखों का फैलाव 80 mm होता है और ब्लू टाइगर के पंखों का फैलाव 75 से 105 mm होता है। ग्लासी टाइगर के विंग्स के मार्जिन पर ब्लूश ग्रे डॉट्स होती हैं और विंग का बेस ब्लैक होता है और ब्लू टाइगर के विंग के मार्जिन पर ब्लू छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ग्लासी टाइगर के हिंड विंग पर ब्लूश ग्रे लकीरें होती हैं जो हल्की सी वी शेप में होती हैं। इन लकीरों की एपेक्स विंग बेस की तरफ होती है। ब्लू टाइगर के हिंड विंग पर 4 से 5 ओवल शेप के अलग अलग आकार के डॉट्स होते हैं। ग्लासी टाइगर के फोर विंग पर 2 ग्रेश ब्लू लंबी बीच में काली पतली लाइन होती है। वहीं ब्लू टाइगर के फोर विंग पर 2 पतली ब्लू लाइन होती हैं। ग्लासी टाइगर के हिंड विंग पर एक बड़ी ग्रेश ब्लू मार्किंग होती है जिसके बीच में ब्लैक लाइन होती हैं और ब्लू टाइगर के हिंड विंग पर ब्लू लाइन उल्टी वी शेप की होती है। ग्लासी टाइगर पे अंदर की तरफ की मार्किंग बिल्कुल सेम ही होती है पर उनका कलर हल्का होता है और ब्लू टाइगर भी लगभग अंदर की तरफ से सेम ही होती है। नर ग्लासी टाइगर के हिंड विंग के सब टॉर्नर एरिया के पास एक मार्क होता है जिससे इसकी मेल होने की पहचान होती है और नर ब्लू टाइगर के हिंड विंग पर भी अंदर की तरफ एक फ्लैप होता है पर वो अलग होता है बहुत।